नमस्कार कृषि जगरण कृषि बतरी पावर्ड बाय स्टील इंडिया स्वागत स्टुडियोत मैं मृगाक्षी और लई आछो कृषि खंडर केबाटाओ गुरुत्वपूर्ण खबर प्रथम चाहक हेडलाइन्स नतुन दिल्ली बाँह शिल्पर विशाल प्रदर्शनी और प्रशिक्षण हायद्राबाद प्राकृतिक कृषि विषय तीनदिनिया कार्यसूची कामरूप एन एम इओ ओपी आँचन अधीन तैल खेजुर खेतर ऊपर कृषक प्रशिक्षण रानी पखिला और काहीगंगार जालुक क्रय गुवाहाटी लेजेंड ट्रेडार्से आज 10 तारीख आपनर एकाउंट पेन्शन धन सुमाल ने पी एम किषाण वंचित कृषक गुरुत्वपूर्ण खबर विधानसभा प्रथम दिनते प्रतिबदमुखर विधायक अखिल गगोई पश्चिम बंग आफिम खेती केन्द्र अनुमति विचार से ममता बनार्जी बृहस्पतिबार नतुन दिल्ली बाँह खंडर उन्नयन राष्ट्रीय कर्मशाल बाँह प्रदर्शनी उद्बोधन करा है 9 और 10 मार्च नतुन दिल्ली कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय इनवेस्ट इंडिया और केरला राज्य बाँह मिशने यह अनुष्ठान आयोजन करते कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय अतिरिक्त सचिव डॉ अभिलेख लिखिए बृहस्पतिबार नतुन दिल्ली बाँह खंडर उन्नयन राष्ट्रीय कर्मशाल बाँह प्रदर्शनी उद्बोधन कर प्रदर्शनी त्रिपुरा तेलेंगाना मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मणिपुर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मेघालय हिमाचल प्रदेश और सिक्किमके धरी विभिन्न राज्य अंशग्रहण करिछे बाँह और बेत उन्नयन प्रतिष्ठान फिनिक्स फाउंडेशन उत्तर पूब बेत और बाँह उन्नयन परिषद एम एस एम इ क्लास्टर फाउंडेशन स्टार्टअप और नतुन जुगर कम्पानी जेने एपिटम बायोक्राफ्ट बायोमिज बेम्बो इंडिया इ एस इ एस बायोवेल्थ प्राइवेट लिमिटेड कॉर्नर आर्ट स्टोर और महाराष्ट्र बाँह बोर्डर दौरे विभिन्न संगठन इतना भाग लय हायद्राबादस्थित मेनेज शेहतिया अनुषित है प्राकृतिक कृषि विषय एक तीनदिया प्रशिक्षण कार्यसूची एपार्टे आयोजन कर एक कार्यसूची कृषि विभाग 16 जन विषय प्राकृतिक कृषि आँचन रूपायण सहित जड़ित 4 गी जिला उद्यान शस्य समन्वयक अंशग्रहण कर कृषि संचालकालय प्राकृतिक कृषि सहकारी नोडल विषया डॉ इमदाद हुसेन ठाकुरिया प्रशिक्षण काल प्राकृतिक कृषि आँचन रूपायण सहायक हवको विभिन्न दिशों ऊपर आलोकपात कर कामरूप और कामरूप महानगर जिला एन एम इओ ओपी आँचन अधीन तैल खेजुर खेतर ऊपर कृषक प्रशिक्षण अनुषित है लुइट एजुकेशनल सार्विसेजर द्वारा आज सोनापुर नरताप और बरुआबारी गांव पंचायत कार्यालय अनुषित है यह प्रशिक्षण कार्यसूची उल्लेख से तैल खेजुर आम राज्य हुआ खेजुर गसर दौरे कि तेलजुक्त फलर करा एविध गस थुकत लगा यार एकुटा फल एट डांगर तमोलर समान है यार फल थका तेल कलेस्ट्रलजुक्त और यार संसाधन उद्योग समूह यार बकलियार गुटिर खाद्योपी तल निष्कासन करना जाए रानी अंचल पखिला और काहीगंगा नाम कृषक उत्पादक कम्पानी दूटा उत्पादन कर जालुक गुवाहाटर लेजेंड ट्रेडार्स नाम कम्पानिये क्रय उत्पादित जालुकर अन्य सामग्री प्रस्तुत कर कम्पानीटे भारत विभिन्न प्रांत बिक्री बिक्री प्रक्रिया सम्पूर्ण सहयोगित आगे एपार्टे यह समय एपार्डर जिला कृषि वाणिज्य सहायक दिवाकर मुहुदी गवेषणकारीकर रूपक कलिता कृषक उत्पादक कम्पानीर मुख्य कार्यवाही विषय दीपांकर दास तथा लेजेंड ट्रेडार्स दुई विषयबिया करण कलिता और वरुण शाह उपस्थित थके आज 10 तारीख आपुनी जदि एजन सरकारी हिताधिकारी तेंते आजिर दिन तो आपुनार बाबे गुरुत्वपूर्ण क्योंकि प्रति माह 10 तारीख तो होइसे पेन्शनर दिन ए दिनटोते हिताधिकारी सकले बैंक एकाउंट जुगे लाभ करि आहिसे अरुणोदय शहीद कुशल कोर वृद्ध पेन्शन इंदिरा मिरी सार्वजनीन विधवा पेन्शन दीनदयाल दिव्यांगजन सहाय्य आँचनी और राष्ट्रीय दिव्यांग विधवा और वृद्ध पेन्शन आँचनर धन गति के आपुनी जदि ए समूह आँचनर भितर कोनो एटार हिताधिकारी तेंते आजि आपुनार बैंक एकाउंट परीक्षा करक प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि आँचन सुविधा लाभर एवं जिस योग्य कृषक वंचित निजर आधार कार्ड खेतर माटर तथ्य और रेशन कार्ड सह जिको ग्राहक सेवा केन्द्र अनलाइन जुगे आवेदन करते एन सी गाँव अंतर्गत योग्य खेतक आँचनीखन आवेदन एनेक्जर 1 पत्र पूरण कर आधार कार्ड खेतर माटर तथ्य सह जिला कृषि विषय कार्यालय जमा दु पड़े कृषि विभाग जानसे इफाले जिस हितधिकार एकाउंट पी एम किषाण आँचन धन सुमान ना सेसक निजर निजर आधार कार्ड बैंक एकाउंट नम्बर सह जिला कृषि विषय कार्यालय निजर निजर स्थिति परीक्षा करिबलै जिला कृषि विषय आह्वान जानसे
সেইদৰে হিতাধিকাৰীসকলে পূৰ্বে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ আবেদন কৰাৰ সময়ত যি একাউণ্ট নম্বৰ দিছিল সেই একাউণ্ট নম্বৰ সংশ্লিষ্ট বেংকলৈ গৈ ডি বি টি এনাবল কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। লগতে তেনে ক্ষেত্ৰতো কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পেমেণ্ট বেংকত এটা জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট আধাৰ লিংক কৰি খুলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। উল্লেখ্য যে বৰ্তমান পি এম কিষাণৰ ধনৰাশি যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ আধাৰ নম্বৰ অনুসৰিহে পঠিয়াই দিয়া হয়, গতিকে বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক। বিধানসভাৰ প্ৰথমটো দিনতে প্ৰতিবাদমুখৰ অখিল গগৈ হাতত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ তালিকা লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ হ'ল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। মাজে মাজে হাতত তুলি ল'লে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দুটাকৈ ফেষ্টুন। অখিল গগৈৰ হাতত থকা মূল্যবৃদ্ধি হোৱা সামগ্ৰীৰ তালিকাখনত আৰু 8 মাৰ্চ 2023ৰ তুলনা কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি 2014ত এটা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিল 448 টকা আৰু বৰ্তমানৰ দাম 1152 টকা। ৰদ, চিমেণ্ট, ইটা, ঘৰৰ ৰং, শিল বালিৰ দাম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈ থাকোঁতে কিমান দাম বাঢ়িল তাৰ তুলনামূলক তথ্য দিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। মিঠাতেলৰ তেতিয়া দাম আছিল লিটাৰত 90ৰ পৰা 100 টকা আৰু বৰ্তমান 200ৰ পৰা 220 টকা। চুজি, চাউল, শিশু খাদ্য, ঔষধ, শাক পাচলি, মাছ মাংস সকলোতে যে আকাশলংঘী হৈছে মূল্যবৃদ্ধি তাৰো তথ্য দি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। যি সময়ত দেশৰ নাগৰিকক সকলো ধৰণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, সেই সময়তে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ কৰা এক অদ্ভুত আবেদনে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিয়া এক দৰখাস্ত অনুসৰি ৰাজ্যখনত আফিং খেতি কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছে তেওঁ। অৱশ্যে এই খেতি কোনো ধৰণৰ অনৈতিক বা বেআইনী কামৰ বাবে নহয়, বৰং পশ্চিমবংগৰ সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰৰ এক অংশ হিচাপেহে গণ্য কৰে ৰাজ্যখনৰ লোকসকলে। পশ্চিমবংগৰ লোকসকলৰ মতে ইয়াৰ নাম হৈছে পোষ্ট, যি তেওঁলোকৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ খাদ্য তালিকাৰ এক অন্যতম অংগ হোৱাৰ পাছতো পশ্চিমবংগত এই খেতিৰ অনুমতি নথকাটো এক দুখৰ বিষয়। দেশৰ মাত্ৰ 4খন ৰাজ্যতহে আছে এই খেতিৰ অনুমতি, যাৰ বাবে চৰা দামত অন্য ৰাজ্যৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় পোষ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াকো কয় যে সকলো পোষ্টই আফিং নহয়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই মৃগাক্ষী বাতৰিৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।